नमस्कार, मेरा नाम संदीप पांचाल, असिस्टेंट प्रोफेसर शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ अरोड़ा। आपका एक बार फिर इस फेसबुक पेज पर जुड़ने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस कोरोना जो पैंडमिक है, इसने काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया है। अगर मैं बात करूँ खासकर रोहतक की, रोहतक में भी बहुत से केसेस अभी पिछले तीन चार दिन से काफ़ी मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया था कि कोरोना कोई रोड पर ना निकले, लेकिन जैसे जैसे ही ये लॉकडाउन की सिचुएशन काफ़ी गंभीर होती जा रही है, स्पेशली मैं रोहतक की बात करता हूँ, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मैसेज का कोई असर दिखने को नहीं रहा है, कोई इस आदेश का पालन नहीं कर रहा है। यही कारण रहा है कि पिछले कुछ दिनों से रोहतक के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इस पैंडमिक से बचने के लिए, कृपया उनका सावधानी से पालन करें, ताकि हम सुरक्षित रहेंगे तो ही देश सुरक्षित रहेगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करूंगा, जो कि है ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट। तो चलिए मैं आपको अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं। ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट, पीछे जो अभी लेक्चर सीरीज हुई है उसमें हमारे टीचर्स ने, जैसे रंजना मैडम ने FIR पर एक लेक्चर दिया, उससे पहले मैंने इन्वेस्टिगेशन पे एक लेक्चर दिया था कि FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस होगी, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस के बाद जो है कॉग्निजेंस लेगी कोर्ट, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, उसके बाद हमारा ट्रायल की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होगी। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक है, बिल्कुल बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में भी आता है बच्चों के और वैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो इस टॉपिक को, काफ़ी छोटा टॉपिक है कहने को तो, लेकिन मैं बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि इस टॉपिक को ध्यान से सुने। अगर ये टॉपिक अगर आपने अभी सुन लिया तो आपको शायद बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कृपया ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉपिक, जो अपने विचार साझा करना चाहिए, उसको ध्यान से सुने। ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट कि सेशन कोर्ट के सामने या सेशन कोर्ट ट्रायल की प्रोसीडिंग को कैसे कंडक्ट करेगा। सेशन कोर्ट, जैसा कि आपको पता है, मैंने पीछे एक लेक्चर था उसमें बताया था कि कॉग्निजेंस जो है वो मैजिस्ट्रेट लेंगे, डायरेक्ट सेशन कोर्ट नहीं लेगा। तो बच्चों के दिमाग में सवाल उठता है कि कॉग्निजेंस लेने का राइट या पावर सेशन कोर्ट के पास है नहीं, तो वो कैसे कॉग्निजेंस ले सकता है। तो मैंने यही बताया था कि मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेंगे, कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, तो वो उसको कमिट कर देंगे सेशन कोर्ट को। एक तरीका यह है सेशन कोर्ट जब उसमें कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेगा कि कमिट कर दे। अब कमिट और ट्रांसफर मैं बताता हूं। कमिट क्या होता है कि नीचे वाली कोर्ट जो सबोर्डिनेट कोर्ट है वो ऊपर वाली कोर्ट को अगर केस को भेजती है तो उसको कमिट बोलते हैं। उसी तरह अगर ऊपर वाली कोर्ट अपनी सबोर्डिनेट कोर्ट को केस भेजती है नीचे तो उसको ट्रांसफर बोलते हैं। तो पहला जो होगा कमिट, कमिट मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन को कमिट करेंगे, लेकिन कॉग्निजेंस लेंगे मजिस्ट्रेट। सेकंड है कॉग्निजेंस, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें सेशन कोर्ट खुद कॉग्निजेंस ले सकता है। वो कॉग्निजेंस, वो ऑफेंसेस क्या है कि
कुछ हाई डिग्निटरीज की डिफेमेटरी कोई स्टेटमेंट अगर कोई देता है, जैसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट, कि हाई डिग्निटरीज हैं उनकी कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट देता है, तो उसमें भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है, उसके अंदर आते हैं जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं या गवर्नर हैं, अगर उनके खिलाफ कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट है तो इस हालात में भी या इस सिचुएशन में कोर्ट ऑफ सेशन जो है एक कॉग्निजेंस ले सकता है। ये तो बात हो गई कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस कैसे लेगा, दो तरीके से लेगा, एक तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, वो कमिट करेंगे सेशन को, सेकेंड सो मोटो कॉग्निजेंस लेंगे, अगर किसी हाई डिग्निटरीज की डेफेमेटरी कोई स्टेटमेंट है या उसकी डिफेम किया गया उसको, ये दो तरीके हैं कोर्ट ऑफ सेशन के कॉग्निजेंस लेने के। अब बात आती है कि उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, कि वो ट्रायल क्या है, वो प्रोसेस क्या है, इसमें कोर्ट ऑफ सेशन जो अपना प्रोसेस आगे करेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 225 से, जो ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट है वो चैप्टर 18 और सेक्शन 225 से लेके 237 तक है। तो हम सेक्शन 225 को कि जब कॉग्निजेंस ले लिया गया है कोर्ट के द्वारा, अब कॉग्निजेंस लेने के बाद आप उस ट्रायल को चलाएंगे कैसे, तो वो सेक्शन 225 में डिफाइन कर रखा है कि ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय पब्लिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि जो सेशन ट्रायल होगा उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा जिसको सरकारी वकील बोलते हैं, वो ट्रायल को कंडक्ट करेगा। हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रोविजन है कि आपके खिलाफ आपके विरुद्ध कोई केस होता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपके आपकी तरफ से पैरवी करेंगे। तो सेक्शन 225 कहता है कि वहां पर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा जो आपके लिए पैरवी करेगा। उसके बाद फिर 225 के बाद हम चलेंगे सेक्शन 226, जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा और केस ओपन करेगा, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन सेक्शन 226 में क्या कहता है कि एक्यूज को बुलाया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में, एक्यूज को बुलाया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं, ये आपके खिलाफ ऑफेंस बताया जा रहा है, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये करेंगे। उसके बाद एविडेंस दिए जाएंगे 226 में कि हाँ आपके खिलाफ ये आपने ये ऑफेंस किया है, आपके खिलाफ ये चार्ज बनते हैं। उसके बाद जब 226 की ये प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी, वो वहां पे दो सिचुएशन आती हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि सभी एविडेंसेस को विटनेसेस को कंसीडर करने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है, वो प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 227 में। सेक्शन 227 डिस्चार्ज डिस्चार्ज अपॉन कंसीडरेशन, कि सेक्शन 226 में जो प्रोसिक्यूशन के लिए केस खोला गया उसमें एविडेंस और विटनेसेस को देखने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि इसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बनता कि ये जो ऑफेंस है ये इसके खिलाफ जो ऑफेंस है उसके लिए पनिशेबल है या इसने कोई ऐसा क्राइम किया है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन को नहीं लगता तो वो हमें करेंगे डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज कर देंगे कि आपके खिलाफ कोई ऐसा क्राइम नहीं बनता, आपके खिलाफ कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, तो वो जो डिस्चार्ज करेंगे कंसीडरेशन तक करेंगे दोनों साइड विटनेसेस को देख के और एविडेंस को देख के। अब बात आती है कि जो डिस्चार्ज करते हैं
अब डिस्चार्ज करेंगे जैसे एक्यूज को, तो कोर्ट ऑफ सेशन को ये लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट कि मैं अपनी स्टेटमेंट देगा कि मैं इनको डिस्चार्ज क्यों कर रहा हूं, एक रीजन देना पड़ेगा। विदाउट रीजन अगर वो डिस्चार्ज करते हैं तो ठीक नहीं रहेगा, तो उनको एक रीजन देना पड़ेगा कि मैं इनको डिस्चार्ज क्यों कर रहा हूं। अब बात आती है डिस्चार्ज की, यहां तक कि कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया या उनके खिलाफ कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर इसका अपोजिट हम सोचें कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि उन्होंने क्राइम किया है या उनके खिलाफ पनिशमेंट बनती है, तो वो सिचुएशन क्या होगी? जहां पर क्राइम ऑफेंस नहीं बनता या पनिशमेंट नहीं बनती तो डिस्चार्ज कर दिया उसको। लेकिन दूसरी बात हम सोचे कि सेशन को ये कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगे कि पनिशमेंट बनती है, क्राइम बनता है, तो सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन के लिए सेक्शन 228, सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जहां पर यह लगता है कि पनिशमेंट या ऑफेंस नहीं बनता या प्रॉपर एविडेंस या प्रॉपर विटनेसेस नहीं है तो डिस्चार्ज करेंगे। अगर लगता है कि प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर विटनेसेस हैं केस को आगे चलाने के लिए, तो वहां पे क्या करेंगे, सेक्शन 228 में जाएंगे, वहां पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्रेम करेंगे एक्यूज के खिलाफ और चार्ज बताएंगे एक्यूज को कि आपके खिलाफ ये चार्ज बनते हैं। तो यहां पर चार्ज बनते हैं तो वहां पर भी दो कंडीशन आएंगी चार्ज बनने के बाद। नंबर वन, चार्ज बनने के बाद अगर कोर्ट ऑफ सेशन को यह लगता है कि जो केस है ये मेरे द्वारा ट्राइबल नहीं है, तो ये क्या करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन, इसको अपने से नीचे वाले कोर्ट में जो सबोर्डिनेट कोर्ट है उसको ट्रांसफर कर देंगे, जैसे कि कोर्ट ऑफ सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस कोर्ट में उसको ट्रांसफर कर देंगे, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनको ये केस को जो है ट्रांसफर कर देंगे। अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद ये लगता है कि मेरे द्वारा ट्रायल नहीं है, ये नीचे मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि जो कोर्ट को लगता है, सेशन कोर्ट को, कि मैं ही इस केस को ट्रायल है, मेरे द्वारा ट्रायल है, मेरे पास पावर है, मैं कर सकता हूं, तो एक्यूज से पूछेगी क्या आप गिल्टी होल्ड करते हो, आपके खिलाफ ये चार्ज बने हैं, ये ऑफेंस आपने किया है, आपके खिलाफ ये चार्ज बनते हैं, क्या आप गिल्टी होल्ड करते हो? अगर गिल्टी होल्ड करते हैं एक्यूज, तो जाएंगे सेक्शन 228 में, सॉरी 229 में, कन्विक्शन ऑन गिल्टी, अगर यहां पर एक्यूज ये मान लेता है कि हाँ ये क्राइम मैंने किया है, तो उसको गिल्टी होल्ड माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 229 में उसको कन्विक्शन दे दी जाएगी, उसको सजा दे दी जाएगी कि आपने ये ऑफेंस किया है, तो उसके के लिए आपको पनिशमेंट किया जाता है, उसके लिए लाइबल किया जाता है। यहां पर भी दो चीजें आती है, कोर्ट ऑफ सेशन ने एक्यूज से पूछा कि आप गिल्टी हो, आपने आपको गिल्टी मानते हो, अगर एक्यूज बोलता है कि हाँ मैं मानता हूं, तो सेक्शन 229 में उसको गिल्टी होल्ड करके उसको पनिशमेंट दे दी जाएगी। अगर गिल्टी होल्ड नहीं करता एक्यूज, तो सेकंड प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है, अगर एक्यूज गिल्टी होल्ड नहीं करता तो हो जाएगा सेक्शन 230 के अंदर, अगर क्योंकि यहां पर गिल्टी होल्ड नहीं किया एक्यूज ने और यहां पे क्लेम किया है ट्रायल को, एक्यूज ने बोला नहीं सर, मैं जो आपने मुझे चार्ज बने हैं मेरे खिलाफ मैं उनको नहीं मानता और मैं ट्रायल क्लेम करता हूं, मैं केस चलाना चाहता हूं, मैं केस में देखूंगा, तो उसके बाद यहां तक कन्विक्शन कर देते हैं। अब जैसे ही 230 की बात आती है तो डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, 230 में डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस,
डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब वो ट्रायल क्लेम करते हैं 230 के अंदर कि कोर्ट ऑफ सेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहते हैं चलो आप अपना ट्रायल स्टार्ट कीजिए, मैं आपको एक डेट देता हूं, इस डेट पे आप अपना ट्रायल स्टार्ट कीजिए क्योंकि एक्यूज ने गिल्टी होल्ड नहीं किया, क्लेम किया है ट्रायल को, तो 230 में उसको डेट फॉर प्रोसिक्यूशन। ऐसा ही जैसे ही डेट दे देंगे उसके बाद हम जाएंगे सेक्शन 231। क्या कहता है कि हमने डेट तो दे दी, अब उसके बाद आता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन कि हमने कोर्ट ऑफ सेशन ने डेट दे दी कि आप अपना जो ट्रायल स्टार्ट कीजिए, अब उसके बाद आती है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन जो सेक्शन 231 है वो एविडेंस की बात करता है फॉर प्रोसिक्यूशन, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन 231 कि प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस प्रोड्यूस करें, विटनेसेस प्रोड्यूस करें, बताएं कि क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद सेक्शन 231 की बात करते हैं, सेक्शन 231 के बाद भी फिर दो प्रोसीडिंग हमारी पैदा चलेंगी, अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस और विटनेसेस को देखने के बाद फिर एक बार ये लगता है कोर्ट ऑफ सेशन को कि जो ऑफेंस है या जो चार्जेस है वो एक्यूज के खिलाफ नहीं बनते तो उसे वो एक्विट कर देगा, एक्विटल कर देगा, तो वो सेक्शन एक्विटल एविडेंसेस को देखने के बाद, विटनेसेस को देखने के बाद, सभी मेटेरियल चीज को देखने के बाद अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि एक्यूज के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं निकल के आ रहा तो उसको एक्विटल कर देगा। एक चीज यहां पे आती है, सेकंड अगर ये नहीं आता कि वो उसके खिलाफ कुछ नहीं बनता और उसके खिलाफ केस बनता है तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो खुल जाएगा सेक्शन 233, इधर से सेक्शन 233 इंटरनिंग अपॉन डिफेंस एविडेंस, यहां पर एक्यूटल नहीं किया, लगा कि नहीं लगा कि केस आगे चला चाहिए तो अब डिफेंस को मौका दीजिए कोर्ट ऑफ सेशन कि आप अपने एविडेंस को लेके आइए, अपने विटनेसेस को लेके आइए कि इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस दे दिए हैं, अब आपकी बारी है सेक्शन 233 में कि आप अपने एविडेंस को लेके आइए, विटनेसेस को लेके आइए। अब बात आती है कि जैसे ही सेक्शन 233 की कंडीशन पूरी हो जाती है कि डिफेंस भी अपने एविडेंस दे देता है, अपने विटनेसेस दे देता है, उसके बाद आती है सेक्शन 234, सेक्शन 233 के बाद हम चलेंगे सेक्शन 234 जो बात करता है आर्गुमेंट। प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस दे दिए, डिफेंस ने अपने एविडेंसेस दे दिए, अब उसके बाद आगे बात आएगी आर्गुमेंट की, दोनों साइड से डिफेंस अपने एविडेंस और कंप्लीट करने के बाद आर्गुमेंट होगी। आर्गुमेंट में पार्टीज जो है अपने जो एग्जामिनेशन होने के बाद समाप्त कर देंगे, समाप्त करना मीन्स बंद कर देंगे कि हमने जो अपनी डिफेंस में या अपने फेवर में जो देना था हम दे चुके हैं, अब हम समाप्त करते हैं आर्गुमेंट करने के बाद। अब आर्गुमेंट में एक चीज और आती है कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ लॉ है कि उस पर भी आर्गुमेंट करना जरूरी है तो भी वो रास्ता भी पॉइंट ऑफ लॉ, पॉइंट ऑफ लॉ अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ से रिलेटेड कोई चीज है तो वो रास्ता पॉइंट ऑफ लॉ के लिए भी वो सबमिशन कर सकते हैं डिफेंस भी और प्रोसिक्यूशन भी। अब जैसे ही बात आती है एविडेंसेस हो गए, आर्गुमेंट हो गए, अब बात आती है जजमेंट की, सेक्शन 235 जजमेंट।
जजमेंट। अब जैसे ही जजमेंट होगी, जजमेंट में फिर दो चीजें होंगी, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा, या तो एक्यूज को बरी कर दिया जाएगा या उसको पनिशमेंट होगी। नंबर वन एक्विटल, नंबर कन्विक्शन, कि दो जजमेंट होगी, वो या तो एक्विटल करेंगे उसको, बरी करेंगे या उसको पनिशमेंट करेंगे, ये दो चीजें होंगी। अगर एक्विटल करते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको कन्विक्ट करते हैं तो वहां पर सेक्शन 360 सीआरपीसी, कन्विक्शन पे सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे कि सपोज करते हैं, अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 7 ईयर है तो उस पर क्वेश्चन किए जाएंगे सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग, क्यों ना आपको 7 साल की सजा क्यों ना दी जाए। ऑटो सेशन क्वेश्चन करेगा, आपको 7 साल की सजा क्यों ना दी जाए। इसके बाद बात आती है, क्वेश्चनिंग करने के बाद अब वो पावर है कोर्ट ऑफ सेशन के पास, वो जो 7 ईयर के पनिशमेंट है उसको 7 ईयर की एज इट इज रख सकता है, या फिर उसको कम भी कर सकता है, वो 5 ईयर भी कर सकता है पनिशमेंट को। अब बात आती है, यहाँ पर जजमेंट आ गई, लेकिन बात कहाँ पे आती है कि जजमेंट आने के बाद भी हमारा एक ऐसा सेक्शन है सेक्शन 236। अगर जो हम डिसीजन देंगे, अगर कन्विक्शन है, कन्विक्शन है तो हमको प्लस सेक्शन 236, अगर हम यहां पर कन्विक्ट करते हैं किसी आदमी को, पनिशमेंट करते हैं, तो वहां पर सेक्शन 236 को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 236 कहता है प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन कि उस ऑफेंस से, जो ऑफेंस है उस ऑफेंस से रिलेटेड कन्विक्शन वो पहले भी भुगत चुका है या नहीं भुगत चुका। अगर ऐसा है, अगर उस एक्यूज ने प्रीवियस कन्विक्शन कर रखा है, तो उसकी जो पनिशमेंट है उसको एनहांस कर देंगे, उसकी पनिशमेंट को बढ़ाया भी जा सकता है 236 के अकॉर्डिंग। तो ये कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल था, जो प्रोसेस था, यार के सामने था। अभी लास्टली एक बचता है सेक्शन 237। सेक्शन 237 बेसिकली यूज होता है सेक्शन 99 क्लोज 2। मैंने आपको बताया था कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो सोमोटो कॉग्निजेंस ले सकता है हाई डिग्री की जो है डेफामेटरी स्टेटमेंट के खिलाफ, तो सेक्शन 199 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग वो चीजें चलेंगी, वो सेक्शन 237 प्लस ये, इसके अकॉर्डिंग ये चीजें चलेंगे, वो सारा प्रोविजन इसके अंदर दे रखा है। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक था कोर्ट सेशन कोर्ट के सामने जो ट्रायल या ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी, अगर इससे मैं कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि उसके सभी जो क्यूरीज हैं उनको मैं सॉल्व करूँ। और सेकेंडली मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा कि जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होने की कगार पर चल रहा है, वैसे वैसे जो जनता है या आम पब्लिक है या हम हैं, वो केयरलेस होते जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका अच्छे से पालन करें। धन्यवाद।